मोदी जी, ये कौन सी महामूर्खों की टीम आपने बनाई हुई है? आपकी सारी टीम ऐसे महामूर्खों और ऐसे गिद्धों से भरी है कि जब शेर की तरह राहुल गांधी जी दहाड़ते हैं तो आपकी ये जो गिद्धों की टीम है ये बड़ी लालायित हो जाती है झूठ फैलाने में। पहले तो मुझे लगता था कि हिंदी में हाथ तंग है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो अधिकांश हिंदी बोल रहे थे, उसमें भी झूठ परोसा जा रहा था। अब कैम्ब्रिज के लेक्चर और यूके की ट्रिप के बाद लगता है कि अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। सोचिए, कैम्ब्रिज का लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, अभी भी आपके सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता लगे पड़े हैं झूठ फैलाने में। और झूठ भी कैसा फैलाते हैं कि झूठ चिपकता ही नहीं है। भाई राहुल गांधी जी तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, लेकिन आपकी जो गीदड़ों की ये सेना है, इससे जरा पूछिए कि जब महंगाई की बात होती है तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कह के बचने लगते हैं। बेरोजगारी की बात होती है, कहते पकौड़ा तल लो। चीन की बात होती है, कहते कोई घुसा हुआ नहीं, आप खुद कहते कोई घुसा हुआ नहीं। जब अडानी की बात करते हैं तो कांपते हाथों से पानी पीने लगते हैं, अडानी का अ नहीं बोलते हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आपका कोई झूठ चिपक नहीं रहा है, लेकिन झूठ आप लगातार बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं, और आपका साथ कौन दे रहा है? चरण चुंबक चरण वंदन करता हुआ अधिकांश मीडिया। बेचारों को फैक्ट चेक ही नहीं करना है। एक बात तो सर्वविदित है कि अब न्यूज रूम एडिटर नहीं चलाते, न्यूज रूम पीएमओ में बैठा हुआ एक चपरासी चलाता है जो आपको व्हाट्सएप भेज देता है, और उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। कोई फैक्ट चेक नहीं करना, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना, अपना दिमाग ही नहीं लगाना। इनफैक्ट आज का क्राइटेरिया यह है कि अगर आपको सफल पत्रकारिता करनी है इनके हिसाब से, तो पहले दिमाग और जमीर गिरवी रखना पड़ेगा। तो मेरी दो नसीहतें हैं आपको। जितने आपके मंत्री हैं, कानून मंत्री बेचारे कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं, सूचना प्रसारण मंत्री जो उनका पहला काम है मैं सबसे बड़ा ट्रोल बनकर दिखाऊंगा मोदी जी, घबराइए मत। एक महिला मंत्री है, वो बेचारी और किसी चीज पे मुंह ही नहीं खोलती है, राहुल गांधी जी का नाम आएगा लपकी चली आएंगी जहां से होंगी, भर्त्सना करने। मैं आपको एक नसीहत देती हूँ, अच्छे ट्रांसलेटर रखिए आप लोग, पैसा तो की तो कमी है नहीं, इससे फजीहत से बचिएगा। हर बार जो झूठा झूठा कहे जाते हैं, लोग हंसते हैं आप लोगों पर, थोड़ी फजीहत से बचिएगा। और दूसरा एक नसीहत ये देना चाहती हूँ, अरे संविधान पद की शपथ ली अपने पदों के लिए, थोड़ी उनकी गरिमा रखिए। उनकी गरिमा नहीं रखनी तो जब घर जाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं पापा मम्मी ट्रोल कहे जा रहे हैं, पापा मम्मी दो रुपल्ली के ट्रोल बन गए, तो उनके सामने थोड़ी इज्जत रखिए। ये तो छोटी सी नसीहत दे रही हूँ, करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि असलियत तो ये है कि राहुल गांधी जी बोलेंगे और आपका सारा तंत्र 10 दिन बाद भी बेचारा खोजेगा कि क्या बोले थे। तो लगे रहिए, सवालों का जवाब आपके पास है नहीं, झूठ का सहारा आप लेते हैं। और मीडिया से तो सिर्फ इतना कहना है, अपना जमीर भरे गिरवी रख दिया हो, अपना दिमाग भी गिरवी रख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऊपर तो आज पूरा देश थू थू कर रहा है।